धम्म प्रकाश उत्सव का जो सीरीज है और जो पूरी श्रृंखला है, या ये कहें कि उत्सवों का जो पूरा पैकेज है, उसमें जो आखिरी पांच उत्सव आते हैं और लास्ट में सबसे छठ आता है, उसमें जो तेड़स आता है, तेड़स पाली का शब्द है और इसमें अगर धान जोड़ दें तो ये धान तेड़स हो जाता है। धान तेड़स शब्द कैसे पड़ा? क्योंकि पुराने जितने भी फेस्टिवल हैं या जितने भी उत्सव हैं वो तिथियों के आधार पर हैं। तिथियों के आधार पर इसलिए हैं क्योंकि पुरानी जो तारीख और कैलेंडर है वो जैसे पड़वा है, पड़वा यानी पतिपदा, अमावस के बाद का पहला दिन, अमावस्या के बाद का पहला दिन, या पूर्ण चंद के बाद का, पूर्णमासी के बाद का पहला दिन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सत, अठ, नवी, नौ, दस, दशहरा, एकादश, द्वादश, त्रिदश, तेरस, चौदस, या फिर अमावस्या, पूर्ण चंद। तो सारे के सारे उत्सव जितने भी हैं वो तिथियों के आधार पर अधिकतर हैं। धान बहुत अच्छी फसल और आज की डेट में भी जो चारों तरफ उगाई जाती है, क्योंकि भारत में पानी बहुत पड़ता है, बारिश बहुत आती है, इसलिए जो ईयर है उसको भी बरस बोलते हैं। यानी पानी जब बरसता है और पानी बरस के निकल जाता है तो उसको पूरा एक सर्कल मानते हैं और उसको बरस करके बोलते हैं। यानी यहाँ इतना पानी बरसता है कि साल का नाम भी बरस ही है। तू कितने बरस का, तू कितने बरस की। तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है धान। धान को अक्षत धान भी बोलते हैं, यानी एक तो हो गया चावल और एक हो गया अक्षत धान, यानी अक्षत चावल। अक्षत का मतलब है जिसका खत ना हुआ हो, छह ना हुआ हो, खत्म ना हुआ हो, यानी साबुत, साबुत चावल, उसको धान बोलते हैं। इस धान को ही बाद में लेन देन में धन बोला गया, यानी धान से ही धन बना। तो जय कहते हैं कि धन धान्य से पूर्ण रहो, इसका मतलब ये है कि धन और धान से पूर्ण रहो। आज भी भाषा में बोला जाता है खूब धन धान्य उसके पास है, खूब धन धान्य उसके पास आया। यहाँ तक कि जो धनवाद शब्द है उसको कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा धान होता है वो अच्छा माना जाता है तो उसको धनवाद बोलते हैं, और जिसको धान दिया जाता है वो धनवादी हो जाता है। तो जो धन्यवाद शब्द है वो भी धान का ही रूप है। ये जो धान तेड़स है, ये धान तेड़स धान से बना हुआ फेस्टिवल है, मगर ये गौतम बुद्ध से भी जुड़ जाता है। गौतम बुद्ध से इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि जिन दिनों ये उत्सव आता है, ये आता है कत्तिक में, जो डार्क होता है फेस, यानी कि जो कणे पक्ष होता है, काला पक्ष होता है मून का, जब मून धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, तो उसमें जो तेरहवां दिन आता है उस दिन ज़्यादा डार्क होता है, अंधेरा ज़्यादा होता है। तब लगभग पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ में अगर आप ध्यान देंगे, यानी कि जो आजकल का समय है उसके हिसाब से, जो अक्टूबर में चलता है मिड में और सेप्टेम्बर नवंबर से पहले, उसमें जो धान की फसल है वो कटनी शुरू हो जाती है और अधिकतर लोग उसको काट लेते हैं। चारों तरफ धान की कटाई चल रही होती है। तो ये धान का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है धान तेड़स। धान तेड़स क्यों पड़ा, तेरहवां दिन ही क्यों लिया गया? जो वसावास है, क्योंकि श्री चल रही है आषार पूर्णमासी, आषार जो पूर्णमासी है उसके बाद में तीन महीने पूरे हो गए और कार्तिक जो महीना है वो आरंभ हो गया, यानी जो अश्विन है वो महीना पूरा होने के बाद में कार्तिक लगा। तो तीन महीने वसावास के भिक्षुओं के, भिक्षुणी के, और भगवान बुद्ध, भगनमान बुद्ध, सुगत बुद्ध के भी पूरे हो गए। अब वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उधर जो कपिलवस्तु में उनके पिता हैं शुद्धोधन, वो अपने पुत्र से मिलना चाहते हैं। वो निमंत्रण दिया उन्होंने, भिजवाया, कई बार बहुत सारे लोग गए वहाँ उनको कहने के लिए, बुद्ध को, कि आपको कपिलवस्तु में बुलाया है शुद्धोधन ने, सारे कपिलवस्तु वाले लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपसे धम्म सीखना चाहते हैं, धम्म का प्रकाश लेना चाहते हैं। मगर जो लोग वहाँ देशना सुनते थे वो वहीं रह जाते थे। तो लास्ट में शुद्धोधन ने उनके मित्र को, जो उनका दोस्त था, उसको भेजा ये कहकर कि अगर तुम वहाँ जाके रह भी जाओ तो भी मेरे बेटे से निवेदन करना कि वो कपिलवस्तु जरूर आए। उसका नाम काड़ुदाई था। काड़ुदाई उनके बचपन का मित्र था और दोनों की उम्र भगवान बुद्ध की और दोनों की बिल्कुल बराबर थी। काड़ुदाई भी उस दिन पैदा हुआ था। तो काड़ुदाई भी दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने के बाद में वो निवेदन करता है कि मुझे ऐसे ऐसे भेजा गया है, आप एक बार वहाँ जरूर चलो। तो लगभग अपने वहाँ से आने के सातवें साल के आसपास में रहा है, क्योंकि राहुल की जो उम्र है वो 7-8 साल के आसपास में हो गई है, और जब वो वहाँ से आए थे तब राहुल पैदा हुए थे।
तो वो 7-8वें साल में यस करते हैं जाने के लिए, और इधर वस्सावास पूरा हो गया है, वस्सावास पूरा करने के लिए वो राजगीर में हैं और राजगीर से कपिलवस्तु जाते हैं। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, लगभग 470 या 500 किलोमीटर की दूरी बैठती है। अगर सीधे जाएंगे तो ये थोड़ी सी 10-20 किलोमीटर कम या ज़्यादा होगी, 450 या 500 किलोमीटर बैठती है। पूरा भिक्खु संघ है, बड़ा भिक्खु संघ हो चुका है। तो भिक्खु संघ अगर आराम से भी चलेगा, बीच में रुकेगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, अपना साधना भी करेगा, तो भी एक दिन में आराम से 50 किलोमीटर भिक्खु संघ चल सकता है। तो वो लगभग 11वें दिन 12वें दिन वहाँ पहुँचने, 13वें दिन वहाँ पहुँचने वाले हैं। पहुँचते वो वहाँ अमावस को यानी 15वें दिन, तो उनको लगभग 14-15 दिन मिल जाते हैं पूरे रास्ते में चलने के लिए, जो उनसे आराम से 40 किलोमीटर का लगभग एक दिन का उनका पूरी यात्रा पड़ती है, पूरा भिक्खु संघ। तो भिक्खु संघ में जो लोग आगे लोग जा रहे हैं उनको खबर मिल रही है शुद्धोधन को कि वो आने वाले हैं। अब वहाँ बर्तन भांडे इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा आज भी धनतेरस वाले दिन यानी धान तेरस वाले दिन जो आता है 13वां दिन, उस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं। बर्तन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि बर्तनों को, भांडों को, जो भांड बोलते थे, उनको इकट्ठा किया गया था भिक्खुओं के भोजन के लिए। बहुत सारे भिक्खु आ रहे हैं, उनको खाना खिलाना है, तो चारों तरफ से बर्तन इकट्ठे करके इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो बर्तन इकट्ठे करने की परंपरा बर्तन खरीदने की परंपरा में बदल गई। फिर जो धान नया आया है उस धान को चेक करना है, तो अगले दिन वो धान चेक करते हैं जब काली चौदस आती है। जब मैं काली चौदस के बारे में बताऊंगा उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें धान को चेक करते हैं। तो जो धान तेरस है, धान तेरस पे धान को इकट्ठा किया जा रहा है, जो नया नया धान आया है, खाने का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, सारी सामग्री इकट्ठी की जा रही है, और सारी सामग्री को जो कुल माता है, कुल माता से स्तुति करके पूछा जा रहा है, क्योंकि कुल माता सर्वोपरि होती हैं। कुल माता की आज्ञा से उनकी जैसे जैसे वो काम करा रही हैं, जैसे जैसे वो मैनेज कर रही हैं, क्योंकि सारी कुल माताएँ मैनेजर होती थीं भारत के प्राचीन इतिहास के अंदर। पाली प्राकृतिक जब रूल करती थी यहाँ पे, उस समय महिलाएं प्रधान होती थी, तो महिलाओं से पूछा जा रहा है, उनकी स्तुति है या उनको पूजन किया जा रहा है, यानी उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनकी बात मानी जा रही है। पाली में पूजन का मतलब होता है सम्मान करना और उनकी बात को मानना। तो सभी बहुत ज़्यादा उल्लास में हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सारी सामग्री जो वातावरण को इकट्ठा, जो वातावरण को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी फैलाने के लिए किया जा रहा है, वो सब चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं, क्योंकि लोगों को अपने मन से जितने भी मन में जो दोष हैं उनको दूर करना है, अमर तत्व प्राप्त करना है, उसकी तैयारी है। क्योंकि भगवान बुद्ध एक प्रकाश लेके आ रहे हैं, भगवान बुद्ध जो अमर तत्व का एक संदेश लेके आ रहे हैं, वो सब में प्रकाश फैलाएंगे और सबको अमर तत्व देंगे। इस उल्लास में धनतेरस बहुत बड़ा एक फेस्टिवल हो गया और बहुत पूरे पूरे कपिल वस्तु में बहुत ज़्यादा उल्लास है। यही धनतेरस बाद में धीरे धीरे करके चारों तरफ फैल गया और ये सीरीज बनने लगी। अगला जो फेस्टिवल आता है या जो डे आता है वो है काली चौदस। काली चौदस जो बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि चौदस का मतलब है 14वां दिन, तेरस का मतलब 13वां, और काली का मतलब है ब्लैक नाइट है, डार्क नाइट है। अमावस वाले दिन तो फुल डार्क नाइट होती है, यानी कंप्लीट जो मून है वो गायब होता है, मगर आज थोड़ा सा मून हो सकता है, मगर वो भी डार्क है। तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो काली चौदस पे सभी के सब उस धान को बना के चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं? उसमें जगरी डाल रहे हैं यानी गुड़, शहद डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, तिल डाल रहे हैं, ये सारी सामग्री बना के उसका पिंड बना रहे हैं। पिंड का मतलब लड्डू बना रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, खा के देख रहे हैं कि वो स्वादिष्ट है या नहीं है, चावल ठीक ठाक पक रहे हैं या नहीं पक रहे हैं। बर्तन भांडे सारे चेक किए जा रहे हैं और जितने भी आसन हैं उनके बिछाने के, उड़ने के, वो सब तैयारी उनको हो रही है, क्योंकि भिक्खु संघ आ रहा है और भिक्खु संघ की सेवा करनी है, उनको खाना बैठा के खिलाना है। ये सारी तैयारी होने के साथ साथ वहाँ अपने आप भी तैयारी की जा रही है कि कैसे हमें धम्म सीखना है, क्या वो हमें बताएंगे, कैसे हमारे घरों में प्रकाश होना है, कैसे ये काली चौदस जिसको नरक चौदस भी बोलते हैं, नरक का मतलब है दुख से भरी हुई, जो दुख से भरी हुई है, क्योंकि कपिल वस्तु के लोगों को धम्म नहीं आता। अगर उन्हें धम्म आता होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। धम्म उन्हें सीखना है और सारी दुनिया में धम्म का प्रकाश फैलाने के लिए बुद्ध काम कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। अब तो अपने पुराने घर आ रहे हैं तो सारे मित्र और सखाएँ, सब में बड़ा जोश है। तो रात को जगह 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 दिए जलाने की प्रैक्टिस होती है, यानी जो दीपावली है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको छोटी दीपावली भी बोलते हैं। सारे सारे जो दीप हैं उनकी आवली यानी उनकी पंक्ति लगाई जा रही है रोशनी करने के लिए। रोशनी करने का सिस्टम तो पहले से भी था, क्योंकि दीप बहुत पुराना
जो दिया है वो बहुत पुराना इजाद किया हुआ एक टेक्निक है जो भारत में पुराने समय से आई हुई है, तो उसको काली चौदस बोलते हैं। काली चौदस के अंदर जितना भी अंधेरा है वो छटने वाला है, और अब जो आने वाली है वो दीपावली यानी धम्म प्रकाश उत्सव आने वाला है। धन्यवाद।